एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ सेंटर पार्टीशन के साथ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकंड चैनल है प्रीति वारी 2, जिसपे सिलाई को उससे रिलेटेड और वीडियोज आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिलाई में इंटरेस्टेड है, डिजाइनर ब्लाउजेज, डिजाइनर ड्रेसेज देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो टू माय सेकंड चैनल प्रीत तिवारी 2 एंड शॉर्ट्स चैनल भी है प्रीत शॉर्ट्स वीडियोज बाय प्रीत तिवारी। तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा, वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ में मोटिवेशनल वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से हेयर को लेना है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड एक चोटी बना लेनी है। इस तरीके से हेयर को लिया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया एंड सिंपल चोटी जो आप बनाते हो ना वो बना लेना है। टाइटली लूज नहीं करना है। शॉर्ट हेयर होंगे तो भी बन जाएगा ये हेयर स्टाइल। ओके, सिंपली इस तरीके से गूंथना है और यहाँ पे इसको पिनअप कर लेना है। ओके, अगेन एक लेयर लेंगे और इसको भी सिंपल सी चोटी बना देंगे। इसी क्लिप में मैं इसको वेटेक्स कर देती हूँ। सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी करना है। जैसे हमने इधर गुथा था वैसे ही आपको इधर भी बना लेना है। इसको सिक्योर कर लेते हैं एंड सेकंड लेयर। लंबे बालों के लिए बेस्ट रहेगा ये, सॉरी शॉर्ट हेयर के लिए एंड लॉन्ग हेयर दोनों के लिए काफी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। सिंपली उसी वाली क्लिप में इसको भी सिक्योर कर देना है और ये ओपन बाल के साथ काफ़ी अच्छा लगने वाला है ये वाला हेयर स्टाइल खुले बालों के लिए। तो इस तरीके से आपको खुला रखना है, बीच की मांग निकाल दिया तो आप ये बना सकते हो। और आप अगर आपको खुला नहीं रखना है तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली ये जो आपने अभी बनाया था चोटी उन दोनों को एक साथ ले लोगे और इस तरीके से फ्रंट चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट में भी टिप बताते रहूँगी और भी अच्छी अच्छी इसी वाली वीडियो जो। फ्रेंड चोटी गूंथनी है, टाइटली गूंथिएगा, लूज नहीं करना है बिल्कुल भी बालों को।
ओके, इतना बहुत नहीं बात है आपको, क्योंकि शॉर्ट हेयर है तो यहाँ पे आप रबर बैंड लगा दीजिएगा। और कुर्ती के साथ, पटियाला सूट के साथ काफी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। और जो आपने क्लिप्स लगाई थी उसको रिमूव कर दीजिएगा यहाँ पे, और ऐसे ही आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफी स्टाइलिश लगेगा। तो आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा हो। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आ रहा हो। अब आपको अगर इस तरीके से खुला नहीं रखना है तो आप क्या करोगे, जैसे चोटी नहीं बनानी है, बन बनाने, बन का लुक देना है, तो आपको सिंपली इस तरीके से रबर बैंड को थोड़ा सा नीचे खींचेंगे, ऊपर की तरफ ले जाके एक क्लचर यहाँ पे लगा दीजिएगा। ओके, क्लचर लगा के आपका हेयर है ऊपर वाला, इसको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से क्लचर के चारों तरफ से इस तरीके से लपेट के एक बॉबी क्लिप की मदद से नीचे को सिक्योर कर दीजिएगा। और इस तरीके से बन का भी लुक ले सकते हो। तो है ना, काफी इजी, स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल से बन सेल्फ है, कोई भी बना सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। बट मुझे बन से ज़्यादा वो वाला लुक अच्छा लग रहा था, चोटी वाला। हाँ, आपको चाहिए तो थोड़ा सा और लॉन्ग भी गूंथ सकते हो इस पर, इस तरीके से टाइट करके। और लंबे बाल हैं तो फिर तो ये वाला हेयर स्टाइल आपके लुक को काफ़ी खूबसूरत बना देगा। और जैसे पतले से बाल हैं तो क्या करोगे, इतनी पतली सी चोटी तो अच्छी नहीं लगती ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे इस तरीके से खींच लेना है चोटियों को, जिससे आपकी चोटी जो है वो काफ़ी वॉल्यूम दिखेगी उसमें, और आपका जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। वाह, देखा, लग रही है ना घनी चोटी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेयर्स निकालने तो पहले निकाल लीजिएगा, उसको कर्ल्स कर दीजिएगा अगर पार्टी वगैरह में आपको ये लुक क्रिएट करना है तो। चलिए, आप आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। बाय।